किधर चले? मैंने खुद से देखा है अपने जाते हुए, बाइक पे ऐसे मजे से जा रही थी, जरा भी उसे फिक्र ही नहीं थी इतने मजे से। उसका तो किरदार ही ऐसा है, जब देखो किसी ना किसी लड़के के साथ जाती रहती है। जिसका दिल चाहे किसी के भी हवाले से मिनटों में कोई बात फैलाए, किसी बेकसूर को बदनाम करे, उसके किरदार पर धब्बा लगाए, गोया आज के मुआशरे में जबान के जरिए किसी शख्स को ऐब जदा करने को गुनाह नहीं समझा जाता। क्या आप नहीं जानते कि तोहमत लगाना इंतहाई सख्त गुनाह और हराम है? लफ्जों के जरिए किसी का दिल चीरने से गुरेज कीजिए कि ये लफ्ज पलट कर वार भी कर सकते हैं। इंसान के जज्बात कुछ इस किस्म के हो चुके हैं कि किसी की खूबी या किसी की अच्छाई पर यकीन करते हुए भी उसको दुश्वारी महसूस होती है। शेयर करना तो दूर की बात है, लेकिन किसी के बारे में भी कोई भी बुरी बात सुन ले, चाहे उससे उसकी किरदार की धज्जियां उड़ जाएं, हम फौरी तौर पर बग़ैर सोचे समझे बग़ैर तस्दीक के उस पर यकीन करते हैं और एक क्लिक करके उसे शेयर कर देते हैं और हज़ारों लोगों में उसे पहुँचा देते हैं। सोचिए कि हमारे इस छोटे से एक्ट का हमें अल्लाह के हाथ जवाब देना है। और जो लोग अज़ियत देते हैं मोमिन मर्दों और मोमिन औरतों को इल्ज़ाम लगाकर ऐसे कामों का जो नहीं किए उन्होंने, बेशक उन्होंने उठाया अपने ऊपर बोझ बड़े बोहतान का और खुले गुनाह का। हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से रिवायत है कि रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, 7 तबाहकुन गुनाहों से बचो। सहाबा ने अर्ज की, या रसूल अल्लाह वो क्या हैं? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह के साथ किसी को शरीक करना, जादू करना, किसी को नाहक मार डालना, सूद खाना, यतीम का माल हड़प कर जाना, मैदाने जंग से भाग जाना और पाक दामन औरतों पर तोहमत लगाना।